हेलो दोस्तों, अगर आप 200 मीटर का ट्रैक सीखना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। इस वीडियो में स्पोर्ट्स से रिलेटेड, एथलेटिक ट्रैक से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाती हैं। ये चैनल स्पेशल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है ताकि आपको इन सब बातों की जानकारी मिलती रहे समय समय पर, और आपको नॉलेज भी होती रहे जो आपके सिलेबस में या आपको अन्य कभी भी काम आ सकती है। आपको फार्मूले के साथ हम हर टेक्निक, हर वीडियो में जो ट्रिक लगती है वो आपको बताएंगे। आप बहुत ही अच्छी जगह पे आए हो वीडियो देखने के लिए। इससे आपको अगर कंप्लीट ट्रैक बनाना नहीं आए तो आप वीडियो को अनलाइक और चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आपको उसका फ़ायदा उठा सको, आप उसकी नॉलेज ले सको। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो में आपको 200 मीटर का ट्रैक कैसे बनाते हैं वो सिखाएंगे। जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको 400 मीटर का ट्रैक बनाना सिखाया था, अगर आपने अभी तक वो 400 मीटर वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखिए। उससे आपको पता लग जाएगा कि 400 मीटर का ट्रैक कैसे बनाया जाता है। आगे आने वाले बीपीएड एमपीएड क्लास होते हैं, इनके सिलेबस में भी है ये, उन सब की हेल्प के लिए आपको ये ज़रूर सीखना चाहिए। 200 मीटर का ट्रैक है वो भी सेम ऐसे ही बनाया जाता है जैसे 400 मीटर का बनाया जाता है, लेकिन इसमें जो फार्मूले होते हैं वो सेम होते हैं, बट जो इसमें लेंथ, डिस्टेंस, करो का, स्टेट का होता है वो चेंज होता है। आपको नहीं पता होगा इसलिए हम आज आपको वीडियो में बताएंगे कितनी लेंथ होती है 200 मीटर ट्रैक की, कितनी करो डिस्टेंस होता है, और 100 मीटर जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से होगी, और इसमें 100 मीटर स्टार्ट 200 मीटर के ट्रैक में हम कैसे कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा देर ना करते हैं, हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्ट्रेट लाइन है 200 मीटर ट्रैक की वो कितने मीटर की होती है। वो होती है 40 मीटर की। जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है ये होती है 40 मीटर की। एक ये इधर होती है 40 मीटर की। जब आपको ये स्ट्रेट लाइन पता है तो आप करो को आसानी से निकाल सकते हो। जो हमारी ये करो होती हैं दो, इनका डिस्टेंस आप आसानी से निकाल सकते हो। इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है, जैसे 200 मीटर का ट्रैक है, 200 मीटर इक्वल टू स्टेट प्लस टू करो। स्टेट हमारे पास है 200 मीटर इक्वल टू स्टेट कितनी है, 40 40 80 80 मीटर प्लस टू करो। टू करो निकालनी है, 2 करोड़ इक्वल 200 माइनस 80 मीटर स्टेट, माइनस कर दो 200 मीटर में से 80 को, 120 मीटर आपकी करोड़ डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ये 2 करोड़ का डिस्टेंस है। अगर आपको 1 करोड़ का डिस्टेंस निकालना है 120 मीटर बटे 2 क्रॉस करो 60 मीटर, 1 करोड़ डिस्टेंस, 1 करोड़ का डिस्टेंस आपका 60 मीटर निकल के आ जाएगा। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, ये आपका स्पेस है तो इसका सेंटर पॉइंट कैसे लेते हैं, रस्सी या इंची टेप की सहायता से इधर से इधर ऐसे लाइन लगा दो, जहां ये आपस में क्रॉस करें वो आपका सेंटर पॉइंट होगा। ये आपका सेंटर पॉइंट है, मान लो ये आपके स्पेस का सेंटर पॉइंट है। आपको 5-10 मीटर इंच टेप की सहायता से इसको राउंड लगाना है, ऐसे
फिर आपको 5 या 10 मीटर की इंची टेप की सहायता से इसमें 4 चाप लगानी, यहाँ से शुरू कर दो। आपको ऐसे लगानी है, ये ऐसे ऐसे सेम डिस्टेंस पे होनी चाहिए, 5 मीटर या 10 मीटर। उसके बाद आप इंची टेप की सहायता से इधर से यहाँ से ले गई, यहाँ भी इस साइड से ऐसे चाप, इधर भी यहाँ से इधर। ये चाप इसलिए लगवाई जा रही है जो आपकी सेंटर वाली लाइन है वो बिल्कुल सीधी आए, गलत ना हो। ये जहाँ आपस में क्रॉस करती हैं इनको आपस में मिला दो। ऐसे आपकी स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधी आ जाएगी। फिर उसके बाद आपको पता है हमारी करो डिस्टेंस 60 मीटर है, ये आपने निकाल ली। इसके बाद आपको निकालना है रेडियस, रनिंग रेडियस, जो हमारा एथलीट है वो कितने मीटर दौड़ेगा, उसके लिए हमें रनिंग रेडियस निकालना पड़ेगा। उसके लिए फार्मूला क्या है, उसके लिए फार्मूला है 2πr। 2πr हमारा फार्मूला है, 120 मीटर इक्वल टू पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 मल्टीप्लाई आर। 120 इक्वल मल्टीप्लाई करोगे कितने हो जाएगा, 44/7 मल्टीप्लाई आर। हमें क्या निकालना है, रनिंग रेडियस, आर इधर आ जाएगा, 120 है, 7 के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 44 के भाग में हो जाएगा। आप इसको क्रॉस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 19.09। ये आपका निकल के आ गया है रनिंग रेडियस। ये रनिंग रेडियस वो है जितना हमारा एथलीट ट्रैक पे दौड़ता है। अगर हम इसी हिसाब से अगर मार्किंग कर देंगे ट्रैक पे, तो जो हमारा एथलीट है वो इसके साइड से दौड़ेगा तो ज़्यादा दौड़ेगा 200 मीटर से। इसलिए ऐसी गलती ना हो, उसमें से हम 20 या 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पहले ही घटा देते हैं, वो हमारी निकल के आ जाएगी मार्किंग रेडियस, जहां हम लाइन को मार्क करते हैं। तो इसमें से हम 30 सेंटीमीटर घटा देंगे, माइनस 9.7। ये आपकी मार्किंग रेडियस निकल के आ गई है 18.79 मीटर। यहां तक सभी को क्लियर है मार्किंग रेडियस कैसे निकाली जाती है, रनिंग रेडियस कैसे निकाली जाती है? आ गया सभी को समझ में? इसके बाद जो हमारी मार्किंग रेडियस निकल के आई है उसके हिसाब से इंची टेप खोल के यहाँ सेंटर पॉइंट से यहाँ चाप लगा दो, यहाँ भी चाप लगा दो, इधर भी और इधर भी, ऐसे 18.79 मीटर की चाप से आप चारों तरफ चाप लगा दो। उसके बाद जो हमें यहाँ से यहाँ चाप लगानी है वो कितने मीटर की लगानी है ये भी नहीं पता। उसको निकालने के लिए क्या कौन सा फार्मूला यूज करना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। ये जो हमारी डायगनली होती है इसको निकालने के लिए फार्मूला होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में सी स्क्वेयर इक्वल ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडर रूट। सी स्क्वेयर इक्वल ए जो हमारी स्टेट थी 40 स्क्वेयर प्लस बी जो हमारा मार्किंग रेडियस निकल के आया था 9 स्क्वेयर अंडर रूट। सी स्क्वेयर इक्वल 40 का
कितना हो जाएगा 1600 प्लस 18.79 स्क्वायर का कितना हो जाएगा 3√6² इक्वल, अब इनको प्लस कर दो, ये आप दोनों का जोड़ आ जाएगा सी स्क्वेयर। अब अंडर रूट को हटाओगे तो आप इसका वर्गमूल आ जाएगा वापिस, कितना आएगा 44.193, ये निकल के आ जाएगा आपका। जो हम इधर से डायगोनली वाली चाप लगाएंगे वो इन 44.193 मीटर की चाप खोलेंगे, इंजिटिव डिस्टेंस खोलेंगे, उसके हिसाब से चाप लगाएंगे यहाँ। ऐसे आप चारों तरफ चाप लगाएंगे, जो इनकी लेंथ होगी 44.193 मीटर। उसके बाद आप इन चारों को आपस में मिला दो, यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। फार्मूला को ध्यान से देखना, ये फार्मूला आपको याद हो गया तो ट्रैक आप आसानी से बना सकते हो। फिर उसके बाद जो हमारा मार्किंग रेडियस था 18.79 मीटर, वो यहाँ सेंटर में रख के यहाँ से यहाँ चाप लगा दो, यहाँ से यहाँ, ये हमारी मार्किंग रेडियस है जो हम मार्किंग कर रहे हैं पहली वाली लाइन की। ऐसे फिर जो हमने मार्किंग की है 18.79 मीटर, जो हमारी लेन होती है उसकी चौड़ाई कितनी होती है 1.22 मीटर, इनको प्लस कर दो इसमें 20.01 मीटर की हिसाब से आप सेकंड चाप लगा दो ऐसे। फिर ऐसे ही आप 1.22 मीटर फिर ऐड कर दो, मीटर की चाप फिर से लगा दो, फिर से आप 1.22 मीटर ऐड कर दो, 22.45 मीटर। ऐसे ही आप ऐड करते रहो जब तक आपकी एड लाइन कंप्लीट ना हो जाए। लेन और लाइन में क्या फर्क होता है, लेन वो होती है जिसमें हमारा एथलीट दौड़ता है, और लाइन जो हमारी ये मार्किंग जो अभी मैं कर रहा हूँ इसको लाइन बोलते हैं, और लेन होता है जिसमें हमारा एथलीट दौड़ता है। ऐसे ही आपको चाप लगानी है, ऐसे आपको चाप लगानी है, जब आपकी एट लाइन कंप्लीट हो जाए फिर आपको जो स्ट्रेट लाइन है उनको आपसे मिला देना है इंची टेप की सहायता से बिल्कुल सीधा।
ऐसे आपका 200 मीटर का ट्रैक बन के तैयार हो जाएगा बिल्कुल, टू क्रो के साथ, टू स्टेट के साथ। अब आप सोच रहे होंगे सर 200 मीटर के ट्रैक में 100 मीटर दौड़ाएं तो क्या क्रो के साथ दौड़ाएंगे? तो बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारा 200 मीटर का ट्रैक होता है असल में वो इसलिए बना जाता है जब हमारे पास स्पेस कम हो, इसलिए हम 200 मीटर का ट्रैक बनाते हैं। अगर हमारे पास स्पेस हो तो हम 400 मीटर का स्टैंडर्ड ट्रैक ही बना सकते हैं। स्पेस की कमी के कारण हमें 200 मीटर का ट्रैक बनाना पड़ता है। तो उसमें जो हमारी 100 मीटर होती है उसके लिए 40 मीटर की स्टेट होती है, उसमें 30 मीटर इस साइड निकाल देंगे हम। और जो बाकी बची 30 मीटर वो हम इस साइड निकाल देंगे। ऐसे जब आपका एथलीट 100 मीटर 200 मीटर के ट्रैक पे दौड़ेगा तो वहां से स्टार्ट होगी और यहां पे फिनिश होगी। ये नहीं है अगर आप 200 मीटर का ट्रैक बना दिया और आप उसमें 100 मीटर इवेंट करवाना चाहते हो तो आप क्रो से स्टार्ट करोगे। नहीं, ऐसी गलती कभी मत करना, उससे टाइम का हर चीज का शेड्यूल बदल जाएगा। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। अगर आप सच में 200 मीटर का एथलेटिक ट्रैक बनाना चाहते हो तो बिल्कुल ऐसे ही फार्मूले के साथ बनाएं। अब इसमें आप बोलोगे सर 200 मीटर दौड़ाएंगे तो स्टैगर भी निकालना पड़ेगा। स्टैगर कैसे निकालते हैं? 200 मीटर के 400 मीटर का ट्रैक बनाया था उसमें भी हमने स्टैगर निकाले थे फार्मूले के साथ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर जाके देखें। तो उसके लिए कौन सा फार्मूला है? स्टैगर इक्वल विड्थ कोस्ट एन माइनस वन माइनस 10 सेंटीमीटर कोस्ट पाई आर। अगर हम फुल स्टैगर 400 मीटर का स्टैगर निकालना है उसमें हमें यहाँ दो लगाना पड़ेगा, 2 पाई आर। अगर हाफ का निकालना है तो पाई आर। तो हमारी क्या है विड्थ कितनी है? एक लेन की विड्थ कितनी होती है? 1.22 मीटर। 1.22 मीटर। जो पहली वाली लाइन होती है उसकी तो स्टैगर निकालने की जरूरत नहीं होती, पता है सबको, यहाँ स्टार्टिंग से दौड़ेगा। लेकिन जो हमारा दूसरा एथलीट है अगर वो भी यहीं से दौड़ेगा तो उसका डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ऐसी गलती ना हो इसलिए स्टैगर लगाए जाते हैं। तो 2 लाइन नंबर माइनस वन माइनस 10 सेंटीमीटर पाई आर। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 मल्टीप्लाई आर। तो हम निकालेंगे 1.22, इसको हटाएंगे मल्टीप्लाई माइनस करके एक आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.22 सेम रहेगा, -10 सेंटीमीटर 22/7 मल्टीप्लाई आर। फिर आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.12 मल्टीप्लाई 22/7। अब आप इसको क्रॉस करोगे भाग करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जो स्टैगर है वो निकल के आ जाएगा। क्रॉस करोगे तो आपका आ जाएगा 30.52 मीटर। जो आप यहां से सेकंड लाइन में स्टैगर डालोगे वो 3.52 मीटर के डिस्टेंस से डालोगे। यहां से आपकी दूरी नपेगी, मान लो आपकी दूरी यहां आ गई तो आप ऐसे ही सीधा स्टैगर नहीं डाल सकते, ऐसे ऐसे नहीं डाल सकते आप। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे डालोगे तो जो डिस्टेंस आएगा उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, फिर एथलीट ज्यादा दौड़ेगा। उसके लिए स्टैगर बेस्ट तरीका होता है वो यहाँ सेंटर लाइन से होता है, यहां से जो आपकी जो चाप जाएगी ऐसे, मान लो आपका यहां आया है तो फिर ऐसे लगेगा, ऐसे सीधा नहीं लगेगा, ऐसे तिरछा लगेगा, वक्रों के साथ कवर होगी, डिस्टेंस रहेगा।
अगर आप ऐसे चाप लगाओगे तो उससे आपका एथलीट का डिस्टेंस कवर नहीं होगा, इसलिए सेंटर से ये चाप लगाई जाती है। ठीक, ऐसे ही अगर आपको तीसरी लाइन का निकालना है, अगर आपको तीसरी लाइन का स्टैकर निकालना है तो विड्थ एन माइनस वाई सेम 10 सेंटीमीटर पाई आर, विड्थ कितनी है 1.22 मीटर लाइन, 3 नंबर लाइन माइनस 1 10 सेंटीमीटर पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर। यहाँ इसमें से एक माइनस करेंगे तो 1.22 मल्टीप्लाई 2 माइनस 10 22/7 मल्टीप्लाई आर, करो गुणा इसको 4.24 माइनस 10 कर दो मल्टीप्लाई 22/7 2.34 मल्टीप्लाई 22/7। जब आप इसको भाग करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7.35 मीटर। अगर आप जो डिस्टेंस लोगे वो यहाँ से लोगे और आपका जो 7.35 मीटर के हिसाब से जो डिस्टेंस जाएगा वहाँ पे निशान लगाओगे ऐसे, यार सेंटर की मदद से यहाँ से ऐसे ऐसे आपको चाप लगानी है, ऐसे आप ऐसे बिल्कुल नहीं लगा सकते, आपको ऐसे लगानी है। ठीक है, ऐसे ऐसे ही आप फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, सिक्स्थ लाइन, सेवन लाइन, एट लाइन, ऐसे ऐसे भी लाइन होगा आप स्टैगर निकाल सकते हो बिना किसी गलती के। अगर आपको फार्मूले याद हैं तो आप सबको अच्छा करके या बना के दिखा सकते हो, तो आप ऐसी गलती ना करें, आपको पता होना चाहिए। अगर आप एथलीट हो किसी भी इवेंट के, ट्रैक एंड फील्ड, फील्ड इवेंट के एथलीट हो तो भी आपको ट्रैक के बारे में पता होना चाहिए, एथलीट हो गए तो आपको ट्रैक के बारे में होना चाहिए। इसलिए आपके लिए स्पेशल आसान तरीके से हमने आपको, बेसिक तरीके से आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है फार्मूले के साथ, ताकि आप बिल्कुल भी गलती ना करें। और आपको से कोई अगर पूछे कौन सी चाप कहाँ से लगेगी तो आप एकदम अच्छे से बता सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, आपका 200 मीटर का ट्रैक ऐसे बन के तैयार हो गया है। अगर अभी तक आपने 400 मीटर वाले ट्रैक की वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी आप ज़रूर देखें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि सभी बच्चों को या और जो एथलीट हैं या जो और जो प्लेयर हैं उनको भी फार्मूला के साथ ट्रैक बनाना आ जाए, 400 मीटर और 200 मीटर का। ये आपके आने वाले पढ़ाई के सिलेबस हैं, जैसे बीपीएड एमपीएड, इससे भी अलग और पढ़ाई होती है स्पोर्ट्स की, उसमें ये सिखाया जाएगा। अगर जब आप एनआईएस करके आओगे तो उसमें भी ट्रैक के बारे में बताया जाएगा, इसलिए आपको परेशानी बाद में ना हो, तो आपको इन सब की नॉलेज पहले से ही होनी चाहिए। 400 मीटर के ट्रैक का लिंक मैं आप अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके जा सकते हो, वीडियो को पूरा देख सकते हो। जय हिंद, जय भारत।